पिछले 5 साल में यदि चुनाव और चुनाव लड़ने का तरीका बदला तो सबसे ज्यादा तरीका बदला चुनाव में प्रचार का। जिस तरह से पहले लोग सोशल मीडिया के बारे में कंप्लीटली अनभिज्ञ थे, हमने 2013 में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कैंपेनिंग की स्टाइल बदली, कैसे ट्विटर और सोशल मीडिया पे लाइक्स और फॉलोअर्स आपके अगले टिकट मिलने के लिए काफी निर्णायक साबित हुए। हमारे साथ हैं हमारे लेफ्ट पे डॉक्टर रघु शर्मा जो एमपी हैं कांग्रेस से, और साथ में हैं अरुण चतुर्वेदी मेरे राइट में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे सरकार से। अरुण जी, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, प्रचार और उसकी भूमिका कैसे देखते हैं, और ये जो बदलाव हुआ है पिछले 4-5 सालों में उनको आप कैसे देखते हैं? यहां मैं देख रहा हूं कि लगभग 3 पीढ़ी बैठी, और 3 पीढ़ी, पहली पीढ़ी इसमें केवल प्रिंट मीडिया को देखा और प्रिंट मीडिया के माध्यम से चुनाव, और दूसरे वो पीढ़ी भी यहां बैठी है जिसने कभी आकाशवाणी से समाचारों को सुनकर के और पूरी अपने कान को उस छोटे रेडियो के ऊपर लगा के रखती थी कि चुनावों की किस तरह से रिपोर्टिंग होती है, सब चलती है। बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग को देखा जो अभी हमारे सामने है, और तीसरा एक और युग खड़ा शुरू हो चुका है जिसके साथ हमारी बहुत बड़े पैमाने पर यंगस्टर्स ने उसको लीड लिया और अब नीचे तक पहुंच चुका है। ये सोशल मीडिया का युग, ये जिसको आईटी का हम कह सकते हैं उस युग का, तो मीडिया की बहुत महती भूमिका है। पहले सुबह केवल एक समाचार पत्र होता था जिसके माध्यम से खबर आती थी, दूसरे बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें दिन में 3 बार खबर आते थे, फिर आपने 24 घंटे के चैनल किए। अब हर आदमी के हाथ में एक गजट है। अपन जिस समय यहाँ बैठे हुए हैं उस समय अब टीवी में खबर का इंतजार नहीं है, आप में से यहाँ बहुत सारे लोग उस गजट का यूज कर रहे होंगे, तुरंत इस बात को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, अपने जितने भी व्हाट्सएप के ऊपर होंगे, ट्विटर के ऊपर होंगे, फेसबुक के ऊपर होंगे, इस सबको भेज करके कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का काम कर रहा है। तो मीडिया अब बहुत फास्ट मूव करने की स्थिति में है अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, और पब्लिक भी अपनी बात को कम्युनिकेट करने में आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रघु जी, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? मतलब एक वक्त था एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग थी, प्रचार होते थे, मुद्दे भी उतने ही प्रभावशाली होते थे जितना आपका प्रचार होता था, लेकिन इधर भी जिस तरह का एक डेमोग्राफिक बदलाव देखा है, सोशल मीडिया, ट्विटर और इसका एक पूरी तरह से हावी होना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में 14 विधानसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं, ये 15वीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और मैंने बचपन से नेताओं को प्रचार करते हुए देखा है। 52 में हमारे यहाँ पहले आम चुनाव हुए, और पहले आम चुनाव के अंदर एक स्टील का उस पर स्टेंशल काट के और गेरू से पोत के, और जो भी उम्मीदवार होता था उसका नाम लिखा जाता था, बैलगाड़ी से प्रचार करने जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, टेलीफोन फैसिलिटी गाँव में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और जिस तरह से समाचार पत्रों की भूमिका शहरों तक सीमित थी, गाँव में कोई बड़े कस्बे में अखबार आ जाए वो भी 1-2 दिन बाद का पहुंचता था, तो मैं समझता हूं कि वो जो दौर था उस दौर में और आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। आज टेक्नोलॉजी के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, आज कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना साउंड हो गया कि आप किसी भी गांव में अगर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं तो फेसबुक पे लाइव हो रहा हो, ट्विटर के माध्यम से, बहुत सारे जरिए हैं कि आज जिस तरीके का पब्लिक की भी कनेक्टिविटी बन गई है, चुनाव इतना आसान नहीं रहा। पहले जो भी चुन के जाता था उससे मिलने के लिए आदमी को जाना पड़ता था, ढूंढता था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तो अगर आप कहीं भी किसी भी स्थिति में है आपका मतदाता मोबाइल से आपसे बात करना चाहेगा और आपको बात करनी पड़ेगी, बहुत बदलाव है।